कैसे हैं आप सब। जायका रश्मिका में आप सबका स्वागत है। केक्स तो आप बनाते भी होंगे घर में और बहुत तरह के केक खाते भी होंगे, तो आज हम केक नहीं, आज हम लोफ केक बनाएंगे जो कि बहुत ही हेल्दी है। तो इस केक का नाम है हेल्दियर होल व्हीट एगलेस डेट्स एंड वॉलनट लोफ केक। तो लेट अस स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये केक जो है ये बहुत ही हेल्दी है। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें आटा डलता है और इसमें मैं रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ कर रही, उसकी जगह मैं इसमें मलाई यूज़ कर रही हूँ। तो ये केक इतना सॉफ्ट और मज़ेदार बनता है। अच्छा, इसमें आपने एक्स्ट्रा शुगर नहीं ऐड करनी, तो जो डेट्स की शुगर होगी वही इसमें शुगर बहुत होगी। तो इसलिए ये केक बहुत ही हेल्दी है, यमी है। बच्चों को भी खिलाइए, टिफिन में भी दीजिए और खुद भी इंजॉय कीजिए कॉफ़ी के कप के साथ। तो लेट अस स्टार्ट। तो एगलेस डेट्स एंड वॉलनट लोफ बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप आटा, 1/2 कप अखरोट वॉलनट्स, 1/2 कप ही हमें मलाई चाहिए। अगर आप मलाई नहीं डालना चाहते तो आप वो डाल सकते हैं, मलाई रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको और भी हेल्दी बनाने के लिए मलाई डाल रही हूँ। और हमें 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर चाहिए और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा चाहिए और 20 to 25 हमें पिटेड डेट्स चाहिए और 1 कप प्लस 1/4 कप हमें ल्यूक वॉर्म मिल्क चाहिए। तो सबसे पहले मैंने डेट्स ली थी, उनके मैंने सीड्स निकाल लिए, उनको अच्छी तरह से पोंछ कर साफ करके मैंने उसको दूध में भिगो दिया 3 to 4 आवर्स के लिए। और आपने इसको तब तक भिगोना है कि जब तक वो सॉफ्ट ना हो जाए। देखिए ये डेट्स जो हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इनको डेट्स की फाइन पेस्ट बनाएंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो ये देखिए मैंने डेट्स की फाइन पेस्ट बना दी है। अब इसी में ही हम जो हमने 1/2 कप मलाई ली थी उसको हम ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इधर हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान कर, जैसे ये आटा है इसमें मैं 2 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला, 1/2 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा डाला और इसको हम छान लेंगे। और जो अखरोट है उसके ऊपर हम थोड़ी सी मैदा या आटे की ही कोटिंग कर देंगे, क्योंकि अगर आप कोटिंग नहीं करोगे तो जो अखरोट है वॉलनट है वो नीचे बैठ जाएंगे, इसलिए इसको थोड़ी सी आटे की कोटिंग करनी पड़ती है। आप कोई भी केक बनाओ, जो भी आप ड्राई फ्रूट्स डालो उसको आप मैदे या आटे की कोटिंग ज़रूर करो, इससे ड्राई फ्रूट्स नीचे नहीं बैठते। मलाई और डेट का ये जो है बैटर रेडी हो गया है और मैंने OTG को 180 डिग्री पर प्री हीट करना शुरू कर दिया है और मैंने ये लोफ पैन में बटर पेपर लगा के इसको भी रेडी कर दिया है। और अब हम स्टेनर रख के इससे इसके ऊपर से ही ये जो है वो छान लेंगे। इसको ज़रूर छानिए क्योंकि इससे एयर पास होती है और जो केक है वो सॉफ्ट एंड फ्लफी बनता है। बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लंप ना रह जाए। और ये जो केक है, अगर आपके जो खजूर है वो भीगी हुई है तो इट टेक्स ओनली 10 मिनट्स। ये जो केक आपका है ये 10 मिनट्स में रेडी हो जाता है। और अब हम इसको 180 डिग्री पर 30 to 35 मिनट्स के लिए इसको बेक करेंगे। तो ये देखिए क्या फर्स्ट क्लास बैटर रेडी हो गया। अब हम इसमें अखरोट डालेंगे
और इसको मिक्स करेंगे और लोफ में शिफ्ट करेंगे। तो ये देखिए, इसको हम ऐसे प्लेन कर देंगे और इसको 180 डिग्री पर 35 टू 40 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। और 30 मिनट्स के बाद हम टूथपिक लगाकर देखेंगे कि ये हुआ कि नहीं हुआ। तो लीजिए, हमारा लोफ केक रेडी है। अब हम इसमें टूथपिक डालेंगे। देखिए, ये बिल्कुल ही क्लियर बाहर आया है, तो ये पूरा पक गया है। और आपने कभी भी गरम गरम केक को अवन से बाहर नहीं निकालना, उसको 15-20 मिनट के लिए अवन को बंद कर कर उसको सेट होने देना है। और अब हमने बाहर निकाला, तो मैं इसको बाहर निकालूंगी। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट मज़ेदार जो हमारा केक है वो बनकर तैयार है, और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो प्लीज़ आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम इसको कट करके देखते हैं कि ये कैसे कट होता है। केक बहुत गरम गरम है, आपको इतना गरम इसको नहीं डी मोल्ड करना, आप इसको ठंडा होने देना, क्योंकि ये इतना सॉफ्ट है कि गरम गरम डी मोल्ड होने से ये टूट रहा है। और फिर हम इसको स्लाइस करेंगे। केक बहुत ही सॉफ्ट बना है, ये देखिए कितना सॉफ्ट और मज़ेदार बना है, कितना मॉइस्ट बना है। तो आप भी प्लीज़ प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे को बताइए कि आपको ये केक कैसा लगा और मैं आपके लिए और क्या बनाऊँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि मेरी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।